अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम कुछ पेपर्स की प्रेजेंटेशन को देखेंगे और साथ ही हम अपनी लिखाई को बेहतर बनाने की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि बोर्ड्स के पेपर में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए कहीं ना कहीं आपकी लिखाई का भी अहम किरदार होता है। पेपर्स की प्रेजेंटेशन दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन को खूबसूरत बनाने का माइंडसेट बनाना था। तो आज कुछ अल्फाज की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, तो शुरू करते हैं। मैं बेसिकली कलम का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग कट वाली मार्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम स्वाद के साथ अलिफ लिखना सीखेंगे। स्वाद के ऊपर वाला हिस्सा मार्कर की नोक के साथ, जबकि नीचे वाला हिस्सा आप मार्कर के बूढ़े सिक्के के साथ लिखेंगे, जबकि अलिफ मार्कर की नोक के साथ। अब हम स्वाद के साथ जीम को लिखना सीखेंगे। स्वाद के ऊपर वाला हिस्सा मार्कर की नोक के साथ, जबकि नीचे वाला हिस्सा मार्कर के पूरे सिक्के के साथ लिखेंगे। इसी तरह हम जीम का ऊपर वाला हिस्सा मार्कर की नोक के साथ, जबकि इसकी गुलाई मार्कर के पूरे सिक्के के साथ करेंगे। इसी तरह अब हम स्वाद के साथ दाल को लिखना सीखेंगे। और यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको डियर स्टूडेंट बताता चलूँ कि उर्दू की हैंड राइटिंग बेहतर करने का राज सिर्फ प्रैक्टिस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव नहीं कर सकेंगे। इसीलिए अगर आप अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो रोज़ाना आधा घंटा प्रैक्टिस ज़रूर करें। इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर आपकी हैंड राइटिंग इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ हम कुछ और अल्फाज को लिखना सीखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन अल्फाज की प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी है कि हमारे इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जुड़े घंटी के बटन को भी लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि अगर आप उर्दू हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस बार बार नहीं करेंगे तो आपको उर्दू हैंड राइटिंग नहीं आएगी। राज प्रैक्टिस का है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप दो दिन में भी सीख सकते हैं, इसलिए बार बार प्रैक्टिस करें इसकी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आज की इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो हमारी हौसला अफजाई करते हुए इस वीडियो को लाइक लाजमी कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और इवन फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। जज़ाकअल्लाह।